तो क्या सैम ने जो एक डिसीजन लिया साहिल खान के साथ जुड़ने का तो क्या वो सही है मैं भी मतलब मतलब कि मनोज था मेरा दोस्त है मतलब मैं तो अभी भी है तो यही चंडीगढ़ में हमारे एक और बड़े अच्छे मित्र रहते हैं उनका नाम है मिस्टर भरत सिंह वालिया और आई एम श्योर आप लोग जरूर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अच्छे से बातचीत और वो सारी चीजें रही होंगी मैंने थाईलैंड जो तैयारी की थी वो इतनी वन थी कि मैं मुझे तो गाइस मेरा नाम है, है एंटेक फिटनेस बोलते है तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आ रही है अरविंद स्पार्टिकस की तरफ से तो रिसेंटली स्पार्टिकस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वाली पोस्ट में अपने फिजिक अपडेट के साथ साथ ना काफी बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में हम सभी को बताया है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इस वाली पोस्ट के कैप्शन में देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 2023 सो नो मेरसी सम बीक्स मोर तो फाइनली अब अरविंद स्पार्टिकस की तरफ से एक कंफर्म अपडेट आ चुकी है कि ये बहुत ही जल्द किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करेंगे और अगर दोस्तों हम बात करें कि आखिरकार अरविंद स्पार्टिकस कौन सी कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करेंगे तो जैसा की अपनी पोस्ट के कैप्शन में हमको ये बताया सम वीक्स मोर जिसका की मतलब हम अप्रोक्स पांच से दस वीक्स समझ सकते हैं तो फ्रेंड्स जहाँ तक मेरे को पता है की इस टाइम पीरियड में ना एक ही कॉम्पिटिशन होने वाला है जो की थाईलैंड में और ये वाला कॉम्पिटिशन अठारह से उन्नीस मार्च के बीच में होगा जिसमे की रीजनल और जो प्रो क्वालिफायर है ना दोनों टाइप की होंगी बाकी दोस्तों अभी हमें की तरफ बत ऐसी कर कर बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने सुंदरम भाई के बारे में और रिसेंटली दोस्तों मैंने ना इनके ऑफ सीजन का ये वाला फिजिक अपडेट देखा जिसको देख कर नाकई में काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ क्योंकि आप लोग देखिए कि ऑफ सीजन के हिसाब से इसमें जो कंडीशनिंग है ना वो कितनी ज्यादा बढ़िया है और देख लगता ही नहीं है की अपने ऑफ सीजन में है तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों मैं ना इनसे बात करता हूँ तो फिर ये बताते हैं कि इनका जो टारगेट है ना इस बार कुछ अलग हटकर करना है इन्होंने मुझको बताया कि इनका टारगेट इस बार की प्रेप में अपने जो गुड क्वालिटी मसल्स है ना उनको गेन करना है जिसकी वजह से ये अपने ऑफ सीजन में भी काफी बढ़िया कंडीशन में है और अभी तो दोस्तों ये इसी तरह लगभग महीनों तक और गेनिंग करेंगे इसके अलावा कटिंग के बारे में ये हमको बताते हैं की ये अप्रैल के मिड में अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं तो दोस्तों इनको ऑन स्टेज देखने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप सभी को दोस्तों इन सारी बातों के अलावा सुंदरम भाई का जो फिजिक अपडेट है ना वो कैसा लगा और क्या ये अपनी स्टेट जी के साथ में दिल्ली में जो सेरू क्लासिक होने वाला है उसमें प्रो प्रोकार्ड जीत पाएंगे इसको लेकर आप लोगों के जो भी ओपिनियन कर कर तो बात करेंगे सर की से। और दोस्तों अपना बिल्कुल ऑफ टाइम वाला फिजिक अपडेट हम सभी के साथ शेयर किया है तो यहाँ पर दोस्तों मेरा ना बिल्कुल ऑफ से मतलब ये है की सिद्धांत जसवाल सर एकदम ऑफ है यानी की वो इस समय किसी भी तरह की स्टेरॉयड साइकिल का यूज नहीं कर रहे और ये वाली बात ना दोस्तों सिद्धांत

है ना उसकी कंडीशनिंग और जो सिमेट्री है ना वो मेरे को काफी बढ़िया लगी इसके अलावा इनकी चेस्ट भी ना काफी बढ़िया शेप में और भी काफी है और ओवरऑल शोल्डर ह्यूज है और रिसेंटली दोस्तों इन्होंने किसी कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट भी किया था जहाँ पर की बारे में दोस्तों मेरे को ना ज्यादा कुछ नहीं पता की इनकी वहाँ पर कौन सी प्लेसिंग आई थी बट मैं से ये बोलना चाहूंगा भाई की आपके जो जेनेटिक्स है ना वो काफी अच्छे है और आपको फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग में काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है बस आप लगे रहिए इस फील्ड में तो चलिए अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि आ रही है गुरु सर की तरफ से तो रिसेंटली इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ना अपनी इस वाली पोस्ट के कैप्शन में हम सभी को काफी बड़ा अपडेट दिया है और अपडेट ये है कि इस वाली पोस्ट के कैप्शन में इन्होंने हमको ये बताया है कि नेक्स्ट फिटनेस प्रोग्राम शूटिंग इज इन प्रोग्रेस शूट विल बी कम्प्लीटेड इन फ्यू डेज एंड देन रिलीज इट नेक्स्ट वीकेंड यानी कि दोस्तों आप सभी को बहुत ही जल्द गुरु मान सर जी की तरफ से ना न्यू फिटनेस प्रोग्राम देखने को मिलने वाला है एंड आगे भी दोस्तों अगर इसी तरह इस फिटनेस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी ना वो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी तो चलिए अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली अपडेट डेट की तरफ जो की आ रही है डेल्टा दिलीप की तरफ से तो रिसेंटली इन्होंने अपने ऑक्सीजन का ना ये वाला फिजिक अपडेट शेयर किया है जिसमे की आप लोग इनकी करंट टाइम कंडीशनिंग को देख सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर इसके अलावा हम बात करें इनकी नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में तो जहां तक मेरे को बताया कि अभी तक डेल्टा दिलीप ने दिल्ली प्रोशो में कॉम्पीट करने की अनाउंसमेंट नहीं करी तो आप लोग मेरे को ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये कि क्या आप लोगों के हिसाब से डेल्टा दिलीप कॉम्पीट कर सकते हैं हमारे दिल्ली प्रोशो में तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपनी कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डायरेक्ट लंसफर्ट के बारे में तो रिसेंटली डायरेक्ट लंसफर्ट ने ना अपना ये वाला फिजिक अपडेट हम सभी के साथ शेयर किया है जिसमें कि आप लोग इनकी करंट टाइम कंडीशनिंग को देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा शार्पनेस है इसमें इसके अलावा दोस्तों अभी भी ये वाली बात ना 100% परसेंट कन्फर्म नहीं है कि डायरेक्ट लंसवर्ड कॉम्पीट करेंगे आनोर्ड क्लासिक 2023 में लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम डायरेक्ट की गैर मौजूदगी में जिस बॉडी बिल्डर के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं अनुर्ड क्लासिक के उनके साथ डायरेक्ट की करंट फिजिक का कंपेरिजन करें तो आप लोग मेरे को बताइए कि इन दोनों में से किसकी फिजिक सबसे ज्यादा बेस्ट है और क्या निक वॉकर हरा पाएंगे डायरेक् को अगर उन्होंने कॉम्पीट किया आर्नोल्ड क्लासिक 2023 में तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि आ रही है माइकल क्रीजो की तरफ से एंड रिसेंटली इन्होंने भी अपना ये वाला फिजिक अपडेट हम सभी लोगों के साथ शेयर किया जिसने की पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में भाई धमाका कर दिया क्योंकि इस वाली पोस्ट के कैप्शन में ये लिखा हुआ है ऑफ सीजन बट आप सभी इसमें नोटिस कीजिए कि इसमें इनके बायसेप्स ओवरऑल कितना ज्यादा ह्यूज है और इससे भी बड़ी बात की कितनी ज्यादा कंडीशन में की अपर फिजिक इस समय और दोस्तों, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इनका ऑफ सीजन है एंड ऑफ इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप लोग इनका रिसेंट फिजिक अपडेट देख चुके हैं और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी याद होगा कि इस साल के ओलंपिया में माइकल क्रीजो का डेब्यू था यानी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉम्पीट किया था ओलंपिया में और पहली बार में ये ट्वेल्थ प्लेसिंग पर आए थे लेकिन अब दोस्तों इन्होंने ये वाला जो अपना फिजिक अपडेट शेयर किया है ना इसको देखने के बाद में ना काफी सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रही हैं कि इस साल के ओलंपिया में इनकी जो प्लेसिंग है ना वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है इवन कई सारे लोगों का तो ये कहना है कि ये टॉप फाइव में भी आएंगे इस साल के ओलंपिया में तो दोस्तों अब आप लोग मेरे को बताइए की क्या वाकई में साल दो के ओलंपिया में माइकल क्रीज और टॉप फाइव के अंदर आ पाएंगे इसको लेकर ना आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दें तो चलिए अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली अपडेट की तरफ और हमारी अगली अपडेट होने वाली है निशांत बंसल की तरफ से और रिसेंटली दोस्तों निशांत वंसल का एक इंटरव्यू ना हमारे मनप्रीत पाजी के चैनल पर आया है जो कि मैं अगर आप सभी को मनप्रीत पाजी के बारे में बताऊं तो इनके कंटेंट में ना आप लोगों को काफी ज्यादा पॉजिटिव बेब्स मिलेंगी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से और अगर आप सभी इनको, इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे ना तो आप लोगों को बिहाइंड द सीन काफी सारी बॉडी बिल्डिंग की बात जानने को मिलेंगी तो आप सभी इनको फॉलो जरूर करें बाकी हम बढ़ते हैं अपने निशांत वंसल के इंटरव्यू की तरफ

कि साहिल भाई हैं उन लोग उन, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं वो लोग बोलते हैं है। अच्छा। मतलब कि मनोज था मेरा दोस्त है मतलब मैं तो अभी भी यही बोलूंगा है। तो उनके साथ सीन चल रहा था तुम तो पूरी बात नहीं पता थी क्या क्योंकि दो बंदों की लड़ाई होती है ना तो हम सिर्फ एक एक्सपेक्ट एक देख सकते हैं कि क्या चल रहा है बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को पता नहीं है ठीक है चलो इन सब चीजों से हटके ये तो लोग बीच में ले आए सबसे पहले मुझे माय फिटनेस की ऑफर आई थी और ये ऑफर मुझे थाईलैंड के बाद दो तीन महीनों के बाद ही आ गई थी अच्छा। बट उतने के टाइम में मैं हेल्थ निंजा पीनट बटर के साथ कनेक्टेड हो गया तब मैंने उनको बोला था कि मेरा ये कॉन्ट्रेक्ट अक्टूबर में खत्म हो जाएगा तो अगर आप लोगों को जरूरत होगी अक्टूबर में तो आप आप लोग मेरे से एक बार पूछ लेना तो मैं फ्री हूंगा तो मैं जरूर करूंगा ठीक है तो ऐसे ही हुआ जैसे अक्टूबर में मेरी वो खत्म हुई तो दो चार अक्टूबर में उनका मैसेज आया मुझे कंपनी से कि आपने टाइम दिया था तो आर यू फ्री नाउ टू ज्वाइनिंग विद दस तो मैंने कहा जी मतलब मुझे मुझे ये नहीं था कि मुझे साहिल खान से जुड़ के अच्छा, मुझे फायदे हैं okay. कि मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ या कुछ कुछ एक्स वाई जेड एनीथिंग तो मैंने मेरा एक ब्रांड मेरे से गया मेरे पास दूसरा ब्रांड आया हम एथलीट्स हैं हमें हर एक चीज की जरूरत है हमें पैसे की भी जरूरत है हमें आ, मतलब क्यों मेरा एक ब्रांड गया तो मैं उस जगह को क्यों खाली रखूँ ठीक है किसी और ब्रांड के आने का लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी या इस सारी खींचातानी के चक्कर में जैसे आपने मनोज का भी बताया मतलब मनोज बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया इस चीज के अंदर सो आ, वो चीज ठीक है या नहीं मैं देखो हुआ क्या था ये सब जब स्टार्ट हुआ तो चलो एक चीज़ मानता कि उनकी आपस में ना बनती है बट मनोज की तो अच्छी बनती थी मतलब अच्छी का मतलब बहुत अच्छी अच्छा हमें एक थाली में खाया इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैंने उसको धोखा दे दिया ठीक है फादर मैं अकेला जो मैं छह सात आठ लोगों को खिला रहा हूँ अपने घर पे तो मतलब अगर मेरी एक इनकम सोर्स जा रही है मेरे पास दूसरी आ रही है तो ऑब्वियसली मुझे ग्रैब करनी पड़ेगी बिल्कुल मैं 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 भीख नहीं मांगना चाहता मुझे पैसे तो मेरा ये है मेरा मैं मेहनत कर रहा हूँ चीजें मेरे पास मेहनत से आई है तो मैं, मैंने मैंने हासिल कुछ खुशी एक्सेप्ट की और मुझे किसी चीज का वो नहीं एटलीस्ट uh, साहिद भाई के साथ जुड़ के काफी लोगों का पता चल गया कौन कैसा कौन कैसा है तो

कभी आमना सामना होता है वहाँ पे चंडीगढ़ में या कैसे भाजी अच्छा या अवॉइड कर जाते हो नहीं नहीं अब देखो जब तक काफी टाइम पहले तक मैं उधर आता जाता सम हो जाता था अच्छा आज की डेट में नहीं होता बहुत अच्छा अच्छा नहीं होता कुछ चीजें ना हो बहुत अच्छी हो जाती <laughs> है ना तो वो वो नहीं होता बहुत अच्छा वो <laughs> और उनका किसी और रास्ते में जाने का रीजन पता नहीं क्योंकि हमारे जब तक मैं एक जगह आपका गोल ही क्लियर नहीं आपको क्या करना है अच्छा। आपको बॉडी बिल्डिंग भी करनी है लोगों को ये भी बताना है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है सही ये गलत बोल रहा है गलत सही देखने वाले आज की डेट में सब समझदार है सबको पता है आप आपके खास को भी कोई अच्छी ऑफर आगी ना वो भी कब पलटी मार के इधर आ जाएगा नहीं पता चलेगा नहीं पता तो पैसा भी बहुत बड़ी चीज है है ना नाम फेम भी बड़ी चीज है आप आप अगर आप फेमस हो तो आप एक अच्छी अच्छा मैसेज दो हर एक उसको कि क्योंकि कहीं कही ना कहीं जब किसी भी तरह की ऐसी बात होती है ना

प्रो शो कैसे जीतना है जी तो अभी ट्वेंटी थ्री में मैं आपको एग्जाम पास करके दिखाऊंगा क्या बात है हमारी बहुत अच्छी और बड़ी विशेष है आपके साथ थान्य। में कि आप ऐसे ही राइज करें अच्छी कंपनीज के साथ काम करें अच्छे लोगों के साथ काम करें